perfectly balanced. As all things should be. I hope they remember you. हेलो गाइज, वेलकम टू द जीमडी न्यूज़। तो गाइज, आज हम बात करेंगे एवेंजर इन्फिनिटी वॉर के न्यू ट्रेलर के बारे में। तो आज मैं लेके आऊंगा आपके लिए इंडिया में एक ऐसा ट्रेलर ब्रेकडाउन जो कि नाम है जो है कैटेगरी शॉट बाय शॉट। तो ये आपके लिए काफी यूनिक होने वाला है। तो सबसे पहले स्टार्ट करती हैं कि आपने थॉर रैग्नारोक के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा होगा कि थॉर की शिप के सामने खड़ी होती है थैनोस की शिप। तो इससे ये कंफर्म हो जाता है कि वो सारे चिल्ड्रंस होते हैं थैनोस की शिप में, जो कि सारे एसगार्डियंस को मार देते हैं और पूरा हमला कर देते हैं थैनोस की शिप पर। और फाइनली वो आते हैं लोकी के लिए, और लोकी देख रहा होता है हमारे थैनोस को, और थैनोस देख रहा होता है अपने चिल्ड्रंस और हमारे लोकी को। वो आते हैं ट्रेसरेट क्यूब के लिए, बट बैटल आर्मर उतारते ही थैनोस मारने लग जाता है हमारे थॉर को, और थॉर को फेंक देते हैं वो स्पेस में। उसके बाद वो लोकी को पकड़ लेते हैं। यहाँ पे काफी लोगों को लगता है कि लोकी एक दुश्मन है, बट यहाँ पर वो लोकी फंसा हुआ है, और लोकी से वो जबरदस्ती करते हैं कि वो ट्रेसरेट क्यूब दो। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात है कि उन लोगों को पता कैसे चलता है कि ट्रेसरेट क्यूब लोकी के पास है। बट फाइनली ट्रेसरेट क्यूब मिलने के बाद थैनोस उसे बुरी तरह से तोड़ देता है, और तोड़ने के बाद वो उसमें से एक स्टोन निकालता है जिसका नाम होता है स्पेस स्टोन, और वो स्पेस स्टोन वो अपने इन्फिनिटी गॉटलेट में डाल लेता है। सबसे बड़ी बात है कि इन्फिनिटी स्टोन्स उसके पास ऑलरेडी एक और है, वो है पावर स्टोन, और पावर स्टोन होता है जेंडार में। जी हाँ, तो जेंडार इसका मतलब वो तबाह कर चुका है जो कि नोवा सेना के पास था, और फाइनली अब लगता है कि ये बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। देन उसके बाद थैनोस को एक स्माइल देता है जिससे कि ये पता चलता है कि उसे दोनों स्टोन मिल चुके हैं, और देखते हैं कि अब क्या होगा। उसके बाद एक सीन होता है एक पुल का, जो कि सामने दिखाई दे रहा है आपको स्टार टावर, जो कि काफी कमाल का लग रहा है, और देन ऊपर से गिरता है हमारा ब्रूस बैनर जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज के घर पर गिरता है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये वाली बात है कि थॉर को फेंकने के बाद वो ब्रूस बैनर को भी नीचे फेंक देता है। तुरंत वॉन्ग और वहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज आ जाते हैं और देखते हैं कि ये है कौन बंदा, और तुरंत यानी डॉक्टर स्ट्रेंज टाइम स्टोन का यूज कर देखता है कि एक्चुअल में हुआ क्या। अगर आपको डॉक्टर स्ट्रेंज का सेव वाला सीन याद होगा तो शायद डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपनी पावर वही वाली यूज करी है। उसके बाद टोनी स्टार्क ब्रूस बैनर से बात कर रहा होता है, वो पूछता है कि वो बंदा है कौन जिसने तुम्हें नीचे यहाँ पर फेंका, और वो क्या इतना शक्तिशाली है। तो टोनी कहता है कि अब हम पर यही मौका है, अगर वो यहाँ पर नीचे आ रहा है तो हम उससे लड़ेंगे। और फाइनली सीन एक स्टार्ट होता है बुरी तरीके से, यहाँ पर थैनोस की शिप आ रही होती है, और उस शिप में होता है हमारा इम्बोनी मॉ, और फाइनली हमें डॉक्टर स्ट्रेंज की खिड़की पर एक लाइट सी दिखाई देती है, यानी कि वही शिप होती है जिसके बारे में सब देख रहे होते हैं, और सारे एवेंजर्स खड़े होकर उस खिड़की के ऊपर देख रहे होते हैं कि वो एक्चुअल में है क्या। और हमारा टोनी बाहर चेक करने के लिए निकलता है दरवाजा खोलकर, और फाइनली जब देखते हैं कि सारी टीम एक साथ मिल जाती है, और वो शिप ऊपर खड़ी होती है और एक वैक्यूम बना रही होती है जिससे कि काफी भूकंप सा आने लगता है और सब कुछ टूट जाता है। टोनी अपना चश्मा उतारते हुए अपना ब्लेंडिंग एज आर्मर भी ओपन करता है। तो ये है फर्स्ट लुक ब्लेंडिंग एज आर्मर का, जो कि काफी कमाल का लग रहा है। तो ये एक साथ टोनी के माइंड से काम करता है। तुरंत डॉक्टर स्ट्रेंज भी अपना स्पेल का यूज करता है और सब कुछ सही करने की कोशिश करता है, पर ऐसा कुछ नहीं हो पाता है। तुरंत यानी लड़ाई होती है इम्बोनी मॉ से, तो मुझे लगता है कि 100% ये सीन इम्बोनी मॉ का होगा। और देन उसके बाद हमारा पीटर पार्कर ध्यान देता है अपने स्पाइडी सेंस से, तो स्पाइडी सेंस पीटर पार्कर के काम करते हैं, और तुरंत स्पाइडी देखता है ऊपर स्पेसशिप है, तो पीटर मानता नहीं है, बच्चा तो है ही है। तो तुरंत पीटर हमारा ऊपर की तरफ देखता है और तुरंत अपना मास्क पहनने की कोशिश करता है, और जैसे ही बस खाली हो जाती है तो पीटर लौटते में उस बस के आगे लटक जाता है, और देन अपना मास्क पहनकर और वेब शूटर लेकर ऊपर से पुल से कूद पड़ता है। तो ये सीन काफी हैरान करने वाला है, और मैं हमेशा स्पाइडरमैन को इसी तरीके से देखना चाहता था। देन उसके बाद ये शिप काफी ऊपर होती है, और सारे एवेंजर्स और हमारे पीटर पार्कर तैयार हो जाते हैं लड़ने के लिए। पर देन मोस्ट प्रोबेबली ये वाली बात होती है कि इम्बोनी मॉ आता है डॉक्टर स्ट्रेंज के लिए, जिसके पास है हमारा टाइम स्टोन, और वो उसे शांत होने के लिए कहता है, यानी कि वो उसे पकड़ चुका है। इसका मतलब उस शिप में अब पीटर पार्कर और हमारा डॉक्टर स्ट्रेंज है, और उसे बचाने के लिए पहुंचता है हमारा तुरंत टोनी स्टार्क, जो कि अपने नए आर्मर के साथ होता है। तो प्रॉब्लम ये होती है कि टोनी उसे बचाने तो पहुंचता है, बट पीटर पार्कर के पास एक नया आर्मर नहीं होता है, और देन उसे सांस लेने में काफी प्रॉब्लम होती है। जी हाँ, देन उसे नया आर्मर तो मिल जाता है, बट उसकी मुलाकात होती है तुरंत डॉक्टर स्ट्रेंज से, और हमारा आयरन मैन भी उसके साथ होता है। तो फाइनली पीटर पार्कर बोलता है कि आपका नाम क्या है, वो कहता है डॉक्टर स्ट्रेंज, मगर ये तो आपने बनाया हुआ रखा है। फिर पीटर पार्कर कहता है मेरा नाम भी स्पाइडरमैन है। फाइनली ये तीनों देखते हैं स्पेस के बारे में और समझते हैं उसका क्या है। फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन होता है थॉर का। तो थॉर जैसे ही थैनोस उसे फेंक देता है तो वो गार्डियन से मिलता है, और गार्डियन से पूछता है कि तुम लोग हो कौन। तो ये सीन भी काफी कमाल का होता है, और देन उसके बाद चालू होता है हमारा
गमोरा का। गमोरा बताती है कि थैनोस एक चुटकी में सब बर्बाद कर देगा पूरा ब्रह्मांड के बारे में थोर को बता रही होती है। तो गमोरा यहाँ पर काफी नर्वस भी है और काफी परेशान भी है कि एक छोटी गलती हम सबों को बर्बाद कर सकती है। उसके बाद गमोरा थोड़ा फ्लैशबैक बता रही होती है कि थैनोस एक्चुअल में है कौन, मैं कहाँ से आई हूँ और ये सब लोग कौन है। और गमोरा ही वो छोटी सी बच्ची है जिसने थैनोस का हाथ पकड़ रखा है। और नेक्स्ट सीन जो आने वाला है जिसमें बगल में खड़ी है पूरी चित्तौरी सेना और यहाँ पर एनियल गमोरा की पूरी फैमिली खड़ी हुई है। जी हाँ, आप ध्यान से देखिए। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है सीन अर्थ पर जिसमें विजन और हमारी वांडा एक साथ रह रहे होते हैं। इन दोनों में 100% प्यार हो जाता है और प्यार चलते चलते वांडा मदद करती है विजन की स्पेल कर जिससे कि वो उसके स्टोन को अलग कर सके। बट ऐसा बहुत मुश्किल होता है और वो इस स्टोन को अलग नहीं कर पाती है और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है विजन को क्योंकि थैनोस आता है विजन के लिए ही अर्थ पर। यहाँ पर तुरंत वांडा पीछे की तरफ देखती है और उसकी आंखों में होते हैं आंसू। तो जी हाँ, वो ये सीन काफ़ी दर्दनाक होता है क्योंकि यहाँ पर हमारा विजन काफ़ी दर्द में जी रहा होता है क्योंकि कर्बस क्लिप उसकी छाती पे पैर रखकर और उससे माइंड स्टोन निकलवाने की कोशिश करता है पर ये माइंड स्टोन उसके शरीर से अलग नहीं होता है। और फाइनली वांडा ऊपर की तरफ देखती है फैल्कन को और फैल्कन के साथ होती है ब्लैक विडो और हमारे कैप्टन अमेरिका क्योंकि प्रॉक्सिमा मैग्नेट तुरंत हमला कर देती है हमारे कैप्टन पर। और ये सीन काफ़ी दमदार होने वाला है क्योंकि कैप्टन निकलते हैं शेडो से एक ब्लैक होल की तरफ से यानी कि अंधेरा होता है। और ये सीन लुक मुझे लगता है कि मूवी में हमें कैप्टन यहाँ पर पहली बार देखेंगे जिनकी वियर्ड काफ़ी बड़ी हुई है। तो मुझे ये सीन काफ़ी दमदार लग रहा है। और देन इस सीन से ये पता चलता है कि प्रॉक्सिमा मैग्नेट यहाँ पर मारी जाती है ब्लैक विडो के हाथों से। जी हाँ, देन उसके बाद पूरी टीम कैप्टन की जाती है वकांडा और वकांडा का ये न्यू लुक हमें आज तक कभी मूवी में देखने को नहीं मिला। और यहाँ पर तचाला यानी कि हमारे ब्लैक पैंथर कैप्टन की पूरी टीम का स्वागत कर रही होती है। यहाँ पर खड़े होती हैं वॉर मशीन, वांडा, विजन, ब्रूस बैनर, फैल्कन, ब्लैक विडो, कैप्टन अमेरिका। और डोरा मिलाजी की शक्ल ऐसी लग रही है कि वो इन लोगों से खुश नहीं है क्योंकि उनका मानना है जब भी कोई लोग बाहर से आते हैं तो प्रॉब्लम ही होती है। और देन कन्फर्म हो गया कि ये आप पीछे जो देख रहे हो वो हेडक्वार्टर नहीं है एवेंजर का क्योंकि ये है शुरी की लैब जो कि विजन के ऑपरेशन की तैयारी कर रही है क्योंकि उसे करना है माइंड स्टोन अलग। और देन यहाँ पर तैयारी चल रही होती है एक युद्ध की। तो यहाँ पर हमारा ब्लैक पैंथर कहता है कि कैप्टन को एक शील्ड दीजिए। तो ये सीन काफ़ी कमाल का लगता है। और देन यहाँ पर कैप्टन को जब अपनी शील्ड मिल जाती है तो कैप्टन काफ़ी खुश होते हैं क्योंकि उन्हें पुरानी शील्ड की बिल्कुल भी याद नहीं आ रही, उनके चेहरे से तो यही लगता है। और देन यहाँ पर तीसरी टीम तैयार हो रही होती है हमारी थॉर की। तो थॉर यहाँ पर रॉकेट और ग्रूट के साथ एक साथ मिलने जाते हैं और हमारे न्यू वेपन को क्रिएट करते हैं यानी कि थॉर का न्यू वेपन जिसमें कि ग्रूट नीचे की तरफ देख रहा होता है थॉर को और उसका इंतजार करता है कि वो कुछ बोले। और यहाँ पर थॉर हमारा तुरंत नीचे की तरफ खड़े करके बोलता है कि आई एम रेडी, तो उस मशीन को स्टार्ट करो। और हमारे गॉड थंडर यानी कि इस बड़ी मशीन को काफ़ी पावर चाहिए होती है और यानी कि थॉर के हाथों में दो बड़ी चाबियाँ हैं और इसे चाहिए होती है काफ़ी बिजली। तो हमारे गॉड के पास, थॉर के पास ये सब कुछ है। और फाइनली थॉर को जब अपना न्यू वेपन मिल जाता है तो वो अनवर्दी से वर्दी हो जाता है और उसे मिलता है अपना न्यू चोगा। और फाइनली रॉकेट पहली बार किसी गॉड को देखता है अनवर्दी से वर्दी होते हुए। तो ये सीन काफ़ी दहलाने वाला है। और यहाँ पर हमारा थॉर हाथ ऊपर उठाकर अपनी पूरी पावर का यूज़ कर एक वर्दी लाइक होता है यानी कि उसे अपना एक न्यू वेपन मिलता है। तो ये सीन काफ़ी कमाल का है। देन उसके बाद हमारा ग्रूट देखते देखते हैरान हो जाता है। तो ये चेहरा हमारा होने वाला है इस सीन पर। उसके बाद गार्डियन की पूरी टीम उतरती है कलेक्टर के एक रूम में। जी हाँ, ये कंफर्म कैसे हुआ, बगल में आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक शिप रखी हुई है जो कि नोवा सेना की है जो कि कलेक्टर रूम की है। देन उसके बाद हमारा टाइटन प्लेनेट, जी हाँ, तो ये थैनोस का है। तो थैनोस की शिप यहाँ पर उतर रही होती है जो कि आपने पहले देखा था सीन। यहाँ पर इस शिप में होते हैं हमारे टोनी स्टार्क, डॉक्टर स्ट्रेंज और हमारा स्पाइडरमैन। और यहाँ पर एनी गार्डियन से मुलाकात होती है। और फाइनली ये दोनों आपस में जब बात कर रहे होते हैं तो हमारा पीटर पाकर हंस रहा होता है कि बात किन की माने। और देन ड्रैक्स के दिमाग में तो कुछ भी नहीं आ रहा होता है कि ये दोनों कर क्या रहे हैं। और फाइनली टोनी कहता है यू आर राइट, तुम्हारा आइडिया अच्छा है। उसके बाद बहुत ही खतरनाक सीन होने वाला होता है जो कि मुझे लगता है थैनोस का। तो थैनोस यहाँ पर अपने टाइटन प्लेनेट पर आता है अपने बिना बैटल आर्मर के। जी हाँ, और तुरंत यही है पीटर पाकर के स्पाइडी सेंस काम करते हैं और पीटर पाकर तुरंत हरकत में आ जाता है। और यहाँ पर हमारा थैनोस अपना इन्फिनिटी गॉटलेट उठाता है और आप देख रहे होंगे कि अभी तक उसके पास दो इन्फिनिटी स्टोन्स हैं। तुरंत हमारा टोनी अपने आर्मर में आ जाता है, ब्लेंडिंग एज आर्मर, और वो देखता है थैनोस को और थैनोस उसके शरीर पर एक पंच मारता है जोरदार जिसमें कि टोनी हमारा नीचे गिर जाता है। तुरंत हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज अपना स्पेल यूज करते हैं स्टार लोड के लिए जिससे कि वो हवा में कूदता हुआ
हमारे थैनोस पर हमला कर सके। और इस सीन में काफी लोग समझ रहे थे कि वो थॉर उड़ रहा है, पर एक्चुअल में वो है हमारा डॉक्टर स्ट्रेंज। जी हाँ, ये सीन भी काफी दमदार है। और देन इस सीन में हमारा थैनोस पूरे मून को तोड़कर अपने टाइटन प्लेनेट की तरफ ला रहा होता है, जिसमें कि हमारा स्पाइडरमैन उस सीन से बचता हुआ आगे की तरफ निकलता है, जो कि काफी लाजवाब सीन है। और देन हमारा स्पाइडरमैन तुरंत थैनोस के हाथ में आ जाता है और वो तुरंत उसे बहुत जोर से जमीन पर मारता है। तो ये बात टोनी को शायद बहुत बुरी लग रही होती है, और मुझे लगता है कि टोनी इस सीन में काफ़ी अपसेट है और ये सीन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। और मुझे लग रहा है कि इस सीन पर काफ़ी लोग इमोशनल होने वाले हैं। और तुरंत थैन उसकी एक लाइन और आती है कि लोग अब तुम्हें भी याद रखेंगे। तो मुझे लगता है कि अब एंड नज़दीक है। जी हाँ, द नियर एंड, जो कि हमने ट्रेलर में देखा था। पता नहीं अब क्या होगा। थैनोस खड़े होकर एक बड़ा सा पंच मारता है, और वो पंच किस में लगता है, क्या पता कोई जिंदा होगा या नहीं। पर तुरंत नेबुला पीछे से आ जाती है और ये सीन काफी रोमांचक होने वाला है। उसके बाद अब चलते हैं अर्थ पर। तो यहाँ पर इन्हीं तैयारी चल रही होती है वकांडा की फाइटिंग सीन पर, जहाँ पर कैप्टन को न्यू शील्ड मिलती है और हमारे ब्रूस बैनर, वॉर मशीन और ब्लैक विडो एक ही शिप पर खड़े होते हैं। और तुरंत उनकी नजर जाती है ऊपर की तरफ, तो वो ऊपर देख रहे होते हैं थैनोस की अपकमिंग शिप को। जी हाँ, तो थैनोस तुरंत स्पेस की लड़ाई के बाद वकांडा में लड़ने के लिए आता है, और पता नहीं क्या होता है हमारे आयरन मैन के साथ। तो पूरी वकांडा टीम और हमारे कैप्टन और ब्लैक पैंथर सामने स्पेस शिप की तरफ जाते हैं देखने कि एक्चुअल में वो लोग है कौन। बट उन्हें पता है कि वो थैनोस है, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है ब्रूस बैनर की बदौलत। और फाइनली ब्लैक विडो देख रही होती है हमारे ब्रूस बैनर को, और हमारा बकी खड़ा होता है गोल्डन आर्मर में। जी हाँ, काफ़ी कमाल का लग रहा है। और देन इस आर्मर में होता है हमारा हल्क। जी हाँ, तो वो काफ़ी तैयार है। और देन पूरी बड़ी सी शील्ड, जैसा कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि वकांडा पे अपनी खुद की शील्ड होगी, जो कि आउटराइडर्स को रोकने के लिए होगी। और ये सीन मुझे याद दिला रहा है वर्ल्ड वॉर जेड की। जी हाँ, और फाइनली हमारा बकी इसमें अपनी बंदूक को लोड करता है, और दूसरा ही सीन हमें ट्रेलर में दिखाई दिया होता है यहाँ पर सामने की तरफ से। तो ये सीन भी काफ़ी कमाल का है। और देन हर एक कैरेक्टर जो कि हाँ तैयार है लड़ने के लिए हमारे थैनोस की पूरी आर्मी से। जी हाँ, तुरंत हमारा ब्लैक पैंथर अपने हाथ ऊपर करता है, अपने पंजे निकालता है और अपने हेलमेट को रेडी करता है। जी हाँ, तो ये सीन काफ़ी अलग अलग तरीके से दिखाएगा, बट हमें ट्रेलर में बांट दिया गया। और देन हमारा ब्लैक पैंथर का न्यू सूट, जो कि एकदम अचानक तुरंत फास्ट फास्ट छड़ जाता है। और उसके बाद हमारा पीछे से वॉर मशीन और फैल्कन उड़ते हुए और हल्कबस्टर आर्मर तैयार होता हुआ। जी हाँ, तो ये एकदम लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं, और यहाँ पर आउटराइडर सामने शील्ड को तोड़ते हुए आ रहे होते हैं। और उसके बाद आउटराइडर्स की और ज़्यादा तादाद आती है, और वो स्पेसशिप से बाहर निकल रहे होते हैं। और उसके बाद हमारे सामने से वकांडा, और फाइनली सबसे आगे भाग रहे हैं कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर और हमारे ब्लैक पैंथर। तो ये सीन काफ़ी कमाल का है। और देन उसके बाद हमारे फैल्कन हवा में बंदूक चलाते हुए, और एक सीन सामने से। तो ये सीन काफ़ी कमाल के हैं, और हर एक शॉट को एवेंजर इन्फिनिटी वॉर में काफ़ी ध्यान से लिया गया है। और फाइनली हमारे कैप्टन के थोड़ा खून निकल जाता है होठों पर, और देन कैप्टन एक घूसा मारते हैं काफ़ी जोर का, और तुरंत एक ब्लैक पैंथर का पंजा जो कि आउटराइडर्स की तरफ होता है। तो ये सीन, हर एक सीन काफ़ी कमाल का है। और देन उसके बाद हल्कबस्टर सभी को बहुत ज़्यादा मार रहा होता है, तो आउटराइडर्स एक साथ हमला कर देती हैं। जी हाँ, उसके बाद कैप्टन अमेरिका देखते हैं थैनोस की तरफ, और थैनोस धीरे धीरे चलता हुआ आता है हमारे कैप्टन की तरफ, और फाइनली सब एक तरफ भागते हुए आते हैं, और थैनोस यानी कि वो थैनोस की तरफ आ रहे होते हैं। और यहाँ पर वांडा विजन को बचाती हुई एक जंगल के सीन में ले आती है, और विजन बोलता है तुम जाओ लंडे, मैं यहाँ पर हूँ। जी हाँ, तो मुझे ये सीन भी अच्छा नहीं लग रहा है। और यहाँ पर मुझे अब कैप्टन की याद आ रही है, क्योंकि थैनोस कैप्टन को आहिस्ता आहिस्ता धीरे से दबाता जा रहा होता है, और कैप्टन पूरी पावर लगाता है। और फाइनली अब यहाँ पर मुझे बिल्कुल कंफर्म नहीं है कि क्या होने वाला है, और थैनोस शायद ये लास्ट डे हो या लास्ट सीन हो, और ये काफ़ी दर्दनाक सीन मुझे लग रहा है। बट यहाँ पर एक दोस्त काम आता है। जी हाँ, तो हमारा बकी तुरंत देख लेता है कैप्टन को मरते हुए, और बकी तुरंत बचाने जाता है हमारे कैप्टन को। तो फाइनली अब देखते हैं कि क्या होगा, क्या आयरन मैन मर सकता है या कैप्टन मर सकता है, अब ये मूवी देख के पता चलेगा। आप क्या सोचते हो ट्रेलर के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और गाइज, आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देख रहे, या तो उस पर वॉर मशीन के हाथ मारो या पैर मारो। सब्सक्राइब करो। बाय बाय, जा रहा हूँ।